हरे कृष्णा। तो आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमें आप जैसे महानुभवों का दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट, सेंट्रल जेल, तिहाड़ जेल के सभी व्यवस्थक, कार्यकर्ताओं, सभी ऑफिसर्स, सभी मेडिकल ऑफिसर्स, सभी जेल में काम करने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम सब एक दूसरे के लिए एक बार महामंत्र का नाम कीर्तन करेंगे जोर से, ताकि सब लोग जो है एक दूसरे को बधाई दे सकें आज के इस सभा के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ देर के लिए कुछ आपको मैसेज देने की कोशिश करूँगा, और आप सब मेरे साथ में बोल सकते हैं भगवान का नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो विशेष करके संसार में लोग दुखी हैं, और जब हम जेल जैसे एरिया में कार्य करते हैं तब हमारा दुख जो है वो डबल हो जाता है, क्योंकि एक तो अपने जीवन का दुख है और दूसरा दूसरे व्यक्ति को दुखी देखते हैं, उसके द्वारा किए गए अपराध क्राइम्स उसको देखते देखते मन विचलित हो जाता है। होता है कि नहीं होता? कितने लोगों का मन विचलित होता है दूसरों का दुख देख करके? इधर वालों का नहीं होता, सबका होता है। मन विचलित होता है, किसी ने मर्डर किया है, रेप किया है, पॉकेट मारा है, सुन करके देख करके कैसे कैसे कार्य लोग करते हैं, विश्वास नहीं होता कि एक ही हमारे जैसे दिखने वाले मनुष्य कैसे कार्य कर बैठते हैं। वो क्या होता है ऐसा मन के अंदर जो व्यक्ति गलत कर बैठता है? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यही पूछा कि भगवान ना चाहते हुए भी कैसे व्यक्ति से गलत कार्य हो जाते हैं। आदमी सोचता है ना, जब कैद में आता है बोलते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, कहता मैंने किया नहीं, मुझे उकसाया गया, या पता नहीं मेरी भावना कैसी थी कि मुझसे ऐसा कार्य हो गया। तो वो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया भगवत गीता के 3rd अध्याय में। भगवान कहते हैं, कामेशा क्रोधेशा रजोगुना समुद्भवा। भगवान कहते हैं काम ऐशा क्रोध ऐशा, ये जो हमारा जन्म होता है रजोगुण के अंदर हमारा जन्म होता है, और रजोगुण के अंदर जब जन्म होता है तो व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो अपने जीवन को तमोगुण की ओर ले जाए या तो अपने जीवन को सतोगुण की ओर ले जाए। तमोगुण क्या होता है? तमोगुण है कि आलसी जीव है, कलिमस ग्रसित जीव है, और वो मतलब ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस उसके अंदर है, किसी भी काम करने के लिए उसमें एंथुसियाज्म नहीं है, उत्साह नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति हमें दिखते हैं मांसाहार करते हैं और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, और वो तमोगुण में ग्रसित हो जाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति हमेशा अपने को संसार में प्रूव करना चाहता है कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, है ना? यही तो होता है, समाज में एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं, जी देखो देखो सामने वाले की मौसी का लड़का देखो कितना बड़ा आदमी बन गया, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, उन्होंने गाड़ी खरीद ली तुम करते क्यों नहीं। ये रजोगुण के सिम्टम होते हैं, रजोगुणी व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, ऐसी बातें करता है। सतोगुण जब होता है तो व्यक्ति ही शांत स्वभाव का होता है, सादा जीवन ऊंचा विचार, ऐसा सतोगुण होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन हर व्यक्ति का जन्म रजोगुण में होता है, लेकिन उसके पास मौका होता है या तो वो अपने चुनाव करके तमोगुण में चला जाए या रजोगुण में रहे या सतोगुण में चला जाए। अब सतोगुण में वो रहेगा तो उसके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियाँ होती हैं, यानी कि जब प्रॉब्लम स्टेट आती है, प्रॉब्लम परिस्थितियाँ आती हैं, तो उन परिस्थितियों में वो अपने मन को एकदम एकाग्र चित्त कर सकता है। जैसे हम जाते हैं हॉस्पिटल में प्रोग्राम करने, आज आए हैं तिहाड़ जेल में प्रोग्राम के लिए, हम देखते हैं कि वैसे ही संसार में लोग दुखी हैं, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है मेडिकल पुलिस ऑफिस, यहाँ पर लोग अधिक परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ अपनी परेशानी के साथ साथ दूसरे की परेशानी भी जुड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? अभी व्यक्ति बोलता है नौकरी तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, मैं IPS ऑफिसर हूँ, या मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, या मैं इंस्पेक्टर हूँ, या मैं पुलिस में सिपाही हूँ, जो भी हूँ, मैं अभी क्या करूँ, मेरा कार्य है ऐसा, कार्य क्षेत्र ऐसा है, तो इस कार्य क्षेत्र में मैं कैसे अपने जीवन को ऐसा बनाऊँ कि हर पल खुश रहूँ।
अभी हम जेल में चले गए थे पीछे, जब यहाँ पर आपके डीजी साहब आए तो उस समय मैं चला गया था दूसरे जेल में, और हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सौरभ, ये यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर हैं आपके, तो ये ले गए थे मुझे मिलवाने के लिए। तो वहाँ पर वो यही बोल रहे थे सिपाही कि आज किस टॉपिक पर चर्चा होने वाली है, तो मैंने उनको कहा हर परिस्थिति में कैसे खुश रहा जाए। खैर ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, हर परिस्थिति में खुश कैसे रहेगा, किसी की मृत्यु हो घर में, किसी को दुखी देख करके, एक्सीडेंट हो जाए, बीमारी हो जाए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति परेशान होता है, खुश कैसे रहेगा। तो प्रश्न उठता है कि भाई खुशी कैसे मिलेगी। तो क्या आप परिस्थिति को बदल सकते हैं? किसी को बीमारी आई तो क्या बदल सकते हैं कि इसकी बीमारी ना हो? आप इलाज करा सकते हैं लेकिन बीमारी ना हो, ऐसी औषधि, ऐसी दवाई, ऐसी मेडिसिन पूरे वर्ल्ड में है क्या? कोई बता सकता? ऐसी मेडिसिन हो जो मेरा जन्म होना रोक दे कि जन्म नहीं होगा। बर्थ कंट्रोल की दवाइयां बनने के बाद भी संसार की पॉपुलेशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? फिर दवाई काम नहीं कर रही है, फिर क्या कर सकते हैं? बोले जी मृत्यु को रोक देंगे। तो हमारे स्कॉन के जो संस्थापक आचार्य थे विदेश में गए, तो उनसे पूछा गया स्वामी जी आप तो भारत से आए हैं ना, जिस देश में मृत्यु का दर जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि वहां बहुत लोग मरते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं जी आप गलत सोचते हैं, पूरे विश्व में मृत्यु का दर समान है 100%। तो उन्होंने कहा इसका मतलब? बोले जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, 100% हर एक को मरना पड़ेगा, कुछ कम, कुछ देर से, कुछ पहले कर। जातस ही ध्रुवम मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो हम जन्म को नहीं रोक सकते, मृत्यु को नहीं रोक सकते, बीमारी को नहीं रोक सकते, बुढ़ापे को नहीं रोक सकते। कई बार होता है ना, माताएं वो लगाती हैं क्या बोटॉक्स के इंजेक्शन, फेयर एंड लवली लगा के अपने को जवान बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्या किसी दवाई से कोई जवान बन सकता है? कोई हो सकता है बहुत मॉर्निंग वॉक करे, लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल कर ले अपना, और फिर वो स्वस्थ युवा दिखे, लेकिन क्या युवा दिखने से वो बूढ़ा नहीं होगा? बुढ़ापा आएगा और मृत्यु भी आएगी। तो फिर बुढ़ापा क्या चीज़ होती है? जिसने जन्म लिया है उसके साथ ही बुढ़ापा चालू हो जाता है। कहते नहीं जी बुढ़ापा तो 60 साल के बाद है ना, रिटायरमेंट के बाद। नहीं, बुढ़ापा तो पहले दिन से ही है। कैसे? आप जरा सोच कर देखिए, अगर 5 दिन हुए हो किसी बच्चे को जन्म लिए तो क्या बोलते हैं, कितने दिन पुराना बच्चा है? क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? 5 डे ओल्ड बोला जाता है। 1 साल का बर्थडे हो जाता है तो क्या बोलते हैं? 1 ईयर यंग कि 1 ईयर ओल्ड बुढ़ापा। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में हर पल हम बुढ़ापे की ओर, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम परिस्थितियां नहीं बदल सकते हैं। हम क्या बदल सकते हैं? मनोस्थिति बदल सकते हैं, परिस्थिति नहीं बदल सकते। बोलिए मेरे साथ में सब लोग, परिस्थिति। बोलिए, सबको बोलना पड़ेगा थोड़ा साथ में, परिस्थिति नहीं बदल सकते। बोलिए, हाथ हिला करके बोलना है, परिस्थिति नहीं बदल सकते, मनोस्थिति बदल सकते हैं। क्या समझ में आया? फिर से करें एक बार, परिस्थिति नहीं बदल सकते, मनोस्थिति बदल सकते हैं। तो मनोस्थिति को बदलना है। तो मनोस्थिति कैसे बदलेगी? एक टीवी देखते हैं हम लोग, टीवी देखते हैं, कितने घरों में टीवी है आजकल? तो सबकी जेब में भी टीवी है, मोबाइल में, यूट्यूब में सब चलता है। तो अगर हम देखें टीवी सबके घरों में है तो किस लिए देखते हैं? मनोरंजन के लिए। टीवी किस लिए देखते हैं? मनोरंजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कौन बताएगा? क्या बोलते हैं? एंटरटेनमेंट। माताएं सबसे आगे बोल रही हैं, एंटरटेनमेंट, ज़्यादा टीवी से यही देखती हैं। मनोरंजन को कहते हैं एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। लेकिन मनोस्थिति बदलने के लिए मनोरंजन काम नहीं करता, मनोमंजन काम करता है। क्या करता है? मंजन करते हैं ना दांत की सफाई के लिए, टूथपेस्ट, उससे क्या होता है, दांत साफ होते हैं। और मनोमंजन करने से क्या साफ होता है? मन साफ हो जाता है। और मन साफ करने के लिए भगवान का एक मंत्र दिया गया है, वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब व्यक्ति बोलेगा ये तो जी हिंदुओं का मंत्र है, हम तो जी सिख हैं, हम तो जी मुस्लिम हैं, हम तो जी क्रिश्चियन हैं, हम तो जी ठाकुर हैं, हम तो जी जाट हैं, हम तो जी बिहार के हैं, हम तो जी बंगाल के हैं, ये मंत्र तो हमने सुना नहीं, हमारे परिवार ने बोला नहीं। नो प्रॉब्लम, ये मंत्र किसी जाति धर्म का नहीं है, ये मंत्र किसका है? ये मंत्र है आत्मा के लिए। किसके लिए? अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आत्मा का क्या धर्म होता है, कौन बताएगा? आत्मा का क्या धर्म है? मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, क्या है? क्या है आत्मा?
कुछ नहीं पता। आत्मा क्या है? आत्मा का कोई धर्म नहीं है। जिस शरीर में प्रवेश कर जाती है उसी शरीर के धर्म को पालन करने लगती है। जैसे एक ड्राइवर है, वो मारुति गाड़ी चलाए तो मारुति का ड्राइवर, वही ड्राइवर उतर के ऑडी चलाने लगे तो कौन सा ड्राइवर होगा? ऑडी का ड्राइवर। वही उतर के डीजी साहब की गाड़ी चलाए तो डीजी साहब का ड्राइवर, वही उतर के इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी चलाए तो इंस्पेक्टर साहब का ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर तो सेम है। ऐसी आत्मा एक ही है, कभी मुस्लिम शरीर में, कभी सिख शरीर में, कभी क्रिश्चियन शरीर में, कभी हिंदू शरीर में, कभी ठाकुर के शरीर में, कभी ब्राह्मण के शरीर में, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी शूद्र। तो भगवान ने चार वर्ण और चार आश्रम बनाए। चार वर्ण बता सकते हैं कोई यहाँ पे? चार वर्ण क्या होते हैं? वर्ण हमारे वैदिक शास्त्रों में चार वर्ण और चार आश्रम बताए। हाँ बताएं ब्रो, चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और चार आश्रम, ग्रस्त, ब्रह्मचारी और नहीं, वानप्रस्त, सन्यास। तो अरे आप लोग तो अब इस्कॉन टेम्पल के भक्त हैं, सारे के सारे सब जानते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ ज्ञान दिया जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण, और ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्त, सन्यास, ये चार आश्रम। अब गीता का ज्ञान किसी को दिया जाए तो क्या बोलता है? जी हम नहीं पढ़ेंगे, ये तो बूढ़े लोगों के लिए, दादी अम्मा के लिए, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे लिए गीता नहीं है, गीता तो बूढ़े लोगों के लिए। तो एक बात पूछिए, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किसको दिया था? आपके जेल में अभी गए थे, वहाँ पर हमने कुरुक्षेत्र का चित्र देखा, भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने किसको दिया ज्ञान? अर्जुन कौन थे? सन्यासी थे, है ना? कौन थे? ग्रस्त थे, हाँ योद्धा भी थे, ग्रस्त थे। क्या नाम था उनकी पत्नी का अर्जुन की? द्रौपदी और सुभद्रा, और चार चार विवाह किए थे अर्जुन ने, है ना? चार विवाह किए थे। तो चार विवाहों से चित्रांगदा उनकी पत्नी थी, द्रौपदी उनकी पत्नी थी, और सुभद्रा उनकी पत्नी थी, और एक नाग कन्या जो थी उलिपि नाम की उनकी पत्नी थी। तो चार विवाह अर्जुन ने किए। इसका मतलब आप तो एक ही विवाह करके अपने को ग्रस्त ग्रस्त बोलते हो, चारों कोने पस्त बोलते हो, तरफ तरफ से त्रस्त बोलते हो, वो तो चार चार विवाह करके भी देखो गीता का ज्ञान ले रहा है कि नहीं। तो ये नहीं कह सकते कि ग्रस्त होकर के गीता का ज्ञान लिया नहीं जा सकता। जब चार पत्नी वाला ले सकता है तो एक पत्नी वाले को तो लेना ही चाहिए, है कि नहीं? अभी वो पूछे वर्ण कौन सा था अर्जुन का? ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण थे, इसलिए ब्राह्मणों का कर्तव्य है गीता पढ़ना, वेद पढ़ना, भागवत पढ़ना। हाँ यही थे ना, ब्राह्मण थे ना। कौन थे? पुरुष लोग नहीं बता रहे हमारे, कौन थे प्रभु जी? क्षत्रिय थे। तो यहाँ जेल में जितने लोग काम करते हैं तिहाड़ में, ये सब कौन है? क्षत्रिय है। अभी देखिए, बिल्कुल आप ही के जैसा आपका ही प्रतिनिधि था अर्जुन। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से गीता का ज्ञान लिया, यानी कि किसके लिए बना ये ज्ञान? तिहाड़ जेल वालों के लिए बना। माना सच में, देखो आप बताओ, आपने बोला अर्जुन क्षत्रिय थे। क्या करते थे? सारा दिन माला करते थे, सारा दिन क्या करते थे? मंदिर घंटे बजाते थे, क्या करते थे? तीर चलाते थे। तो यहाँ पे तिहाड़ जेल के लोग क्या करते? सारा दिन गोली बंदूक से प्रोटेक्शन करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यही काम अर्जुन ने भी किया, क्षत्रिय ने किया, यही काम ग्रस्त ने किया। अभी दोनों चीजें मैच होती है कि नहीं आपके साथ में? अर्जुन की ग्रस्त भी थे पर त्रस्त नहीं थे, ग्रस्त भी थे और क्षत्रिय भी थे। हमारे साथ क्या, हम ग्रस्त हैं लेकिन थोड़ा त्रस्त भी रहते हैं, और इस त्रस्त के कारण हम भगवान का भजन सोचते हैं। ये तो मंदिर जाने वालों के लिए है, ब्राह्मणों के लिए है, सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए है, लेकिन सच्चाई है कि गीता का ज्ञान हम सब के लिए, गीता का ज्ञान सब के लिए है। तो गीता का ज्ञान लेना चाहिए। और इस क्षत्रिय व्यक्ति जो होते हैं, जब संसार में देखते हैं इतनी नेगेटिविटी तो उनकी मनोस्थिति खराब हो जाती है, तो मन का मंजन करना पड़ता है। मन का मंजन, जैसे दांत का मंजन, मन का मंजन। मन का मंजन कैसे होगा? गीता पढ़ने से और भगवान का नाम जप करने से मनोमंजन हो जाता है, मन का मंजन हो जाता है। और मन के अंदर आप भगवान का चिंतन कर सकते हैं। हर परिस्थिति में आप परिस्थिति को ना बदलकर अपने मन की मनोस्थिति को बदल सकते हैं। मान लीजिए कोई भी कार्य होता है संसार में, उस कार्य के तीन कारण होते हैं। क्या कारण है? जैसे हम देखें कि कोई व्यक्ति की उसने चोरी किया और वो जेल में आ गया। अब हमें लगेगा कि इस व्यक्ति ने चोरी करी इसलिए ये जेल में आ गया। लेकिन कुछ लोग कुंडली पर विश्वास करते, कह रहे ज्योतिष कुंडली में लिखा ही था इसके नसीब में कि ये चोर बनने वाला है। तो अब अगर उसके नसीब में लिखा था और वो चोर बनने वाला है, तो क्या वो अपने नसीब को बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? हाँ जी, क्या कहते इधर वाले, बदल सकता है कि नहीं सर?
क्या कहते हैं सर, नहीं हाँ या ना, बदल सकता है। अगर नसीब बदल सकता है तो फिर मृत्यु भी बदल सकता है, तो फिर कैसे इसका समझ नहीं आया सर, कैसे होगा ये? मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि बदल सकता है, एक तरफ कह रहे हैं मृत्यु बदल नहीं सकता है, बड़ी असमंजस की स्थिति है। अच्छा एक और स्टेटमेंट भारत में मशहूर है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है कि नहीं, मशहूर है ये बात तो सुनी है। तो जब भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता तो चोरी करने वाले ने चोरी भी तो भगवान की इच्छा से करी, मर्डर करने वाले ने तो भगवान की इच्छा से मर्डर किया, और जेल वाले ने एनकाउंटर में अगर उस गोली मार दी तो वो भी तो भगवान की इच्छा थी, बेचारा क्यों मन में तड़पे कि मैंने किसी का वध कर दिया। तो कैसे समझे इस स्थिति को, कैसे होता है ये कार्य? तो भगवान कृष्ण गीता के 13वें अध्याय में बताते हैं, प्रकृति का एक नियम है, हम सभी 3 गुणों की रस्सियों में बंधे हुए हैं, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण। ये रस्सियां ऐसी हैं कि दिखाई नहीं देती, आपकी जेल के अंदर जब हथकड़ी डाली जाती है तो हथकड़ी दिखाई देती है। जो कैदी होते हैं थोड़े बहुत ज़्यादा ऐसा कि वो व्यक्ति फंस गया, उस पर केस चला और उसको अभी ऐसा है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो उसको ओपन सेल बोलते हैं ना, ओपन सेल में या सेमी सेल में डाला जाता है। लेकिन एक ऐसे सेल में डाल दिया जाए जो काल कोठरी है, वहाँ पर उसको हथकड़ियाँ भी होती हैं, बैरक के अंदर रहना पड़ता है, अपनी जेल से बाहर नहीं निकल सकता। तो हम लोगों के साथ भी ऐसी स्थिति है, सत्वगुणों वाला व्यक्ति जो होता है वो ओपन सेल जैसा होता है, बंधा तो होता है लेकिन वो थोड़ा बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, ओपन सेल में होता है। जो व्यक्ति रजोगुण में होता है वो सेमी सेल में होता है, वो अपनी इच्छा अनुरूप थोड़े कार्य कर सकता है, थोड़े नहीं कर सकता है। तमोगुण वाला व्यक्ति पूरी तरह से बंधा हुआ होता है। लेकिन ये तीनों ही बंधन कारक हैं, एक लोहे की रस्सी है, एक सोने की रस्सी है और एक चांदी की रस्सी है। सत्वगुण सोने की रस्सी है, रजोगुण चांदी की रस्सी है और तमोगुण लोहे की रस्सी है, लेकिन रस्सियाँ तीनों है, तीनों बंधे हुए। अब तीनों बंधे हुए हो, हाथ में हथकड़ी बंधी हो तो कैसे खुलेगी, कौन बताएगा कैसे खुलेगी? हाथ की हथकड़ी बंधी हो तो चाबी से, तो चाबी अगर दे भी जाए तो खोलेगा कैसे वो, दोनों हाथ तो बंधे हुए हैं उसके, उसको कौन चाहिए? जिसके हाथ खुले हुए हो। ऐसे ही हम सब बंधे हुए हैं संसार में, हम एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो व्यक्ति खुला हुआ हो, वही हमारी रस्सी को खोल। तो कौन है खुला हुआ? वो खुले हुए हैं जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर लिया, वो भक्त, वो भागवत भक्त जो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, जिन्होंने तीनों गुणों को पार कर लिया, ऐसे भक्त हमारे जीवन के बंधन को खोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ठीक है बंधन खुल गया हमारा और हम किसी व्यक्ति की शरण में चले गए, प्रभु जी ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये कैसे समझें कि हमने पिछले जन्म में कोई कार्य किया उसका फल हमें आज मिल रहा है? तो अगर बंधा हुआ है तो मैं कुछ भी कर लूं मेरे को तो वही मिलने वाला है, तो फिर मेहनत क्यों करनी, नौकरी पे क्यों जाना, जो होगा आ जाएगा घर में अपने आप खाना। तो कुछ लोग एक पार्टी के होते कहते नहीं जी, वर्क ही वर्शिप, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, काम करो मेहनत करो उसी से फल मिलता है। कुछ लोग एक पार्टी के होते कहते नहीं जी, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, कुत्ता भी रात दिन भाग दौड़ करता है तो क्या लक्ष्मीपति बन जाता है, एक रोटी के लिए भी मोहताज रहता है, तो उसको क्या करते हैं भाई, देखो सीधी सी बात है, भगवान भरोसे रहो, जब होगा नसीब में अपने आप घर चल के आ जाए। ये दो पार्टियां हैं, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां गलत हैं, ये दोनों पार्टी गलत। बैंक में लॉकर होता है कि नहीं? लॉकर बैंक में, उस लॉकर में कितनी चाबी लगती है तब लॉकर खुलता है? 2 चाबी लगती हैं। कौन कौन सी चाबी होती हैं? एक चाबी आपकी होती है और एक चाबी बैंक मैनेजर लगाता है। ऐसे ही हमारी चाबी की जब प्रयास लगते हैं कि मैं तीन गुणों की रस्सी खोलना चाहता हूं, तब जब मैं अपने प्रयास वाली चाबी लगाता हूं तब भगवान की कृपा वाली चाबी भी लगती है। जब दोनों चाबियां लगती हैं तभी जाके मेरे पिछले जीवन के किए गए कर्मों के पुण्य उसका खजाना खोलने का मैं हकदार बनता हूं। मान लो मैंने अच्छा किया भी हो लेकिन मैं खाली मैनेजर की चाबी पे निर्भर हो जाऊं तो भी लॉकर नहीं खुलेगा, मुझे अपनी लगानी पड़ेगी, और खाली अपनी ही लगाता रहूं बोलो मैनेजर कुछ नहीं होता तब भी काम। तो भगवान कहते हैं अनुमंताचा अनुदृष्टाचा, मैं ही अनुमति प्रदान करता हूं तब जाके तुम्हारे नसीब का ताला खुलता है। तो ताला खोलने के लिए भी हमें भगवान की ज़रूरत है। कहते हैं दी गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद अपनी मदद करते हैं फिर भगवान भी उनकी मदद करते हैं। तो क्या करें अपनी मदद में, सुबह उठते हैं बच्चों को स्कूल भेजते हैं, नौकरी पे चले जाते हैं, तिहाड़ जेल में आते हैं, कैदियों को देखते हैं और उनकी टेंशन सुनते हैं, और सारा दिन इधर से उधर वर्क प्रोफाइल काम कागजी कार्रवाई करते करते जीवन कट जाता है, और फिर रिटायर हो जाते हैं, फिर घर बैठकर सोचते हैं पूरा जीवन निकल गया हमने कुछ किया नहीं।
तो क्या करें ऐसा कि हमारा मन सदा खुश रहे, प्रसन्न रहे? तो उसके लिए साधारण से हमें क्या कार्य करने चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे कि भगवान ने हर व्यक्ति को पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आज परिस्थिति दी है। आपने किसी को पिछले जन्म में एक थप्पड़ मारा था, आपने पिछले जन्म में एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ घूमेगा, कर्म के रिएक्शन, प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन, एइंस्टाइन का लॉ लगता है, न्यूटन का लॉ लगता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक मारा तो वो घूम करके डैंग 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 डैंग, हो सकता है इसी जन्म में पड़ जाए, हो सकता है आप बड़े शक्तिशाली थे, हाई पोजिशन पे थे, आपको ना पड़े, लेकिन घूम करके एक दिन अगले जन्म में पड़ेगा। इसीलिए देखते हैं कि जन्म होते ही एक व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेता है, एक बड़े अमीर घर में जन्म लेता है, एक बड़ा बुद्धिशाली जीव होता है, एक के शरीर ही काम नहीं करता, पोलिया हो गया, हैंडीकैप्ट हो गया, ग्रसित जीव है, शरीर काम नहीं कर रहा, हैंडीकैप्ट है, क्या करे बेचारा, उसने क्या किया, बोलते जी पिछले जन्मों का, तो पिछले जन्मों का कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ आ गया, यानी कि परिस्थिति तो हमारे पिछले जन्मों से आ गई, अब क्या करें, बंधे हुए भी हैं तीनों तरफ से, कर क्या सकते हैं। मन जो है ये आज़ाद है, भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चस्मि, मैं मन हूँ, मैं आज़ाद हूँ, अगर मन को मुझ में लगाओगे, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव सत्यम ते प्रति जानो प्रियोसी में, अगर तुम अपने मन को मुझ में लगाओगे तो मैं तुम्हें गाइड करूँगा क्या करने योग्य है क्या करना नहीं। अब परिस्थिति आ गई कि कोई व्यक्ति मुझ पर चिल्ला रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को दोबारा से चिल्लाना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, टिट फॉर टैट, तो आप आज टैट करेंगे तो फिर वो टैट वापस टिट फॉर टैट आपका भी आएगा। तो हमें व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू दैट इट शुड नॉट कम अगेन, दोबारा हमारे पास ना आए, हम ऐसा क्या करें। तो उस परिस्थिति में आपके पास दो रास्ते होते हैं, चुनाव करने की शक्ति दी गई है, बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ, बी और डी के बीच में कौन सा अल्फाबेट आता है, सी फॉर चॉइस। आपके पास चुनाव है, मैं सही करूं गलत करूं, इसका जवाब आज ही दूं या मैं सहन करूं। अगर मैं सहन करता हूं तो ये बात आज ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने किया था, आज उसका भुगतान भर के ये बात रफा दफा हो गई, कोर्ट के अंदर बैठकर सेटलमेंट हो गया। लेकिन अगर मैंने उसके रिएक्शन को दोबारा दे दिया, मार दिया और वो चला गया, तो पिछले वाला तो खत्म हुआ लेकिन नया शुरू हो गया। तो परिस्थिति में चुनाव करने की शक्ति भगवान ने दी, हम बंधे हुए हैं 95% हम बंधे हुए हैं, लेकिन 5% भगवान ने आज़ादी दी है हमको। वो आज़ादी क्या है, चुनाव करने की शक्ति, सही क्या है गलत क्या है मैं चुन सकता हूँ। एक उदाहरण दे के समझाता हूँ, आसानी से आपको समझ में आएगा कि गीता पढ़ने की कितनी आवश्यकता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गीता देखी है कभी हाथ में पकड़ करके, कम लोगों ने देखी है। तो कम से कम आज हम हमारे सुमंत प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोगों को कम से कम गीता तो प्रोवाइड करे ही जाए, हाथ में पकड़ कर देखे। तो कोर्ट में कहते हैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच के सिवा। तो सोचिए गीता पे हाथ रखने वाला क्रिमिनल कहता है जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, उसकी बात मानी जाती है, तो गीता के अंदर जो लिखा है वो झूठ लिखा है। उसमें ज्ञान लेना है, उस ज्ञान के माध्यम से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज हो जाएगा, अगर हम मान लीजिए भगवान का नाम जप करने लगे, गीता पढ़ने लगे, तो प्रभु जी क्या बदलाव होगा, क्या मेरे दुख खत्म हो जाएंगे, क्या मेरी परिस्थिति में मुझे बुखार नहीं आएगा, सब कुछ तो बंधा हुआ है, मैं क्या चुनाव करूं, कैसे समझूं इस बात को, समझिए। एक उदाहरण है कि भारत से एक एरोप्लेन अमेरिका के लिए जाता है और उसमें भारतीय उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा हुआ है और इसने अपना विदेश में व्यापार लगाना है, अमेरिका में व्यापार लगाना है। ये एरोप्लेन में जाकर बैठा तो अपनी सीट पर चौड़ा होकर बैठ गया पूरा अच्छे से, और साइड में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनसे हाथ टकरा गया। तो उन्होंने बोला जी क्या है आप, कौन है आप, मेरे को हाथ मार रहे हैं, मैंने भी तो सीट का टिकट दिया है। कहा आप अपने हाथ को संभाल के नहीं बैठ सकते, उधर चल अपनी साइड में चल, हाँ अपनी सीट पर बैठ, मेरी सीट पर मत अपना हाथ लगा। अरे आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, तमीज़ से तो बात करिए कम से कम। ऐसे करके व्यक्ति की वार्तालाप गर्मा गया और हॉट डिस्कशन चालू हो गया, और ऐसी स्थिति में दोनों ही गर्म हो गए। एयर होस्टेस आई, सर प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ चेंज योर सीट, प्लीज़ डोंट फाइट, प्लीज़ मेंटेन द डेकोरम ऑफ द प्लेन, बहुत सारी चीज़ें हुई और दोनों को अलग अलग कर। अब ये व्यक्ति बोला मैं भी देख लूँगा तुझे, बोले मैं देख लूँगा तुझे। ये अमेरिका पहुँचा, बड़े खुश भाव से अपने बिजनेस प्रोफाइल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले रखी है, लैपटॉप ले रखा है, अमेरिका में उतरा, सीधा टैक्सी करी और
अपने होटल में गया, दूसरे दिन तैयार होकर के ऑफिस में पहुंचा जिस व्यक्ति के साथ इसने अमेरिका में व्यापार लगाना था। जब पहुंचा, घंटी बजाए, उन्होंने कहा ले आइए अंदर। जब लाए तो देखा ये वही व्यक्ति है जिससे अमेरिका की प्लेन में लड़ाई करी। उसने कहा तुम चले जाओ, यहीं पर तुम्हारा सारा का सारा प्रोजेक्ट सब खत्म हो गया। और उसने कहा बड़ा दुखी होकर के, इतनी दूर आया, इतना खर्चा किया, मेरा बिजनेस चौपट हो गया। लेकिन अभी वही दूसरी ओर, अब ये व्यक्ति भगवान की गीता पढ़ता है, भगवान का नाम जप करता है, वही व्यक्ति है। अब हम उसी उदाहरण को भक्त के रूप में देखें। उसका हाथ टकरा गया, ये परिस्थिति थी, इसके प्रारब्ध में था, आज हाथ टकराना ही टकराना है। लेकिन अब मनोस्थिति पे काम करना है, मन कैसे काम करे। ये व्यक्ति क्योंकि गीता पढ़ता है, जानता है जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। मेरे काम ये है कि चुनाव करने में मुझे सहनशील होना है, विनम्र होना है, मुझे परिस्थिति में अपने मनोस्थिति को संभाल के रखना है। तो परिस्थितियाँ बदलेंगी, कभी कभी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन लोग अपना मनो आपा खो बैठते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, ये कोई तमीज है, ये कोई ऐसा है वैसा है। अरे जी कोई बात नहीं है, हर परिस्थितियाँ तो भगवान ने प्रारब्ध में निश्चित कर रखी हैं, उस परिस्थिति के अनुसार हमें अपनी मनोस्थिति बदलनी है। हाथ टकराएगा ये निश्चित था, टकराया तो ये व्यक्ति बोलता है अपने हाथ को उधर रखिए, ये गीता पढ़ता था। बोला जी क्षमा करिए, मेरा हाथ आपको लग गया, अब आप आराम से रख लीजिए, मैं अपना हाथ इधर कर लेता हूँ। क्योंकि जो भक्त होता है वो एडजस्टमेंट जानता है, वो कहता है एडजस्ट कर लूँगा कैसे तैसे। लेकिन जो भक्त नहीं है वो एकदम ऑफिशियल रूप में चलेगा, ये ऐसा वो ऐसा ये ऐसा, हाथ पीछे, मेरा टिकट आधा, तेरा टिकट आधा, एक एक फुट के लिए भाई भाई आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। कई लॉयर्स मुझे आके बताते हैं, कह रहे हैं कि प्रभु जी हम आपको क्या बताएं, दो भाई आपस में सिर्फ 6 फुट जमीन के लिए एक दूसरे का मर्डर करने के लिए तैयार है। ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मर्डर करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग, तो हम क्या भेद कर सकते हैं, हम कैसे अपनी मनोस्थिति को बदलें। तो उनका मनोस्थिति बदलने का एक तरीका है, विनम्र हो जाओ, सहनशील हो जाओ। जिसके अंदर गुण होते हैं वो सहनशील होता है, जिसके अंदर गुण होते हैं वो विनम्र होता है, जिसके अंदर गुण नहीं होते वो उद्विग्न होता है, क्रोधी होता है। लेकिन जिसमें गुण अधिक होते हैं, जिसमें ज़्यादा बल होता है, वो झुका होता है। अच्छा आपसे प्रश्न पूछता हूँ, एक पेड़ है जिस पर बहुत सारे फल लटके हैं और एक पेड़ है जिस पर कोई फल नहीं है, कौन सा पेड़ ज़्यादा झुका हुआ होता है। फल जिसके पास देने के लिए कुछ है वो झुका होता है, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है वो ऐसे टाइट खड़ा रहता है पूरा सीना तान के। और जो सीधा खड़ा रहता है वो व्यक्ति क्या होता है, जब बारिश के दिनों में तूफान आता है तो कौन से पेड़ गिर जाते हैं, जो झुकते हैं या सीधे खड़े रहते हैं। जो ज़्यादा सीधा खड़ा रहेगा वो तूफान आने पर, परिस्थितियाँ बदलने पर गिर जाएगा, लेकिन जो झुकना जानता है वो व्यक्ति टिकना जानता है। बोलिए मेरे साथ में, जो झुकना जानता है, बोलिए सबको बोलना है, जो झुकना जानता है वो टिकना जानता है। हाँ जो झुकता नहीं है वो एक न एक समय परिस्थितियां तो बदलेंगी, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन मनोस्थिति पर काम करना। ये भक्त थे, इन्होंने कहा जी आप हाथ रख लीजिए, मैं अपने हाथ को अंदर कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं तो जी भजन कर लूंगा, माला अंदर करके आप पूरा बैठ जाओ आराम से। अरे नहीं नहीं आप कैसी बात कर रहे हैं, टिकट तो आपने भी दिया है। नहीं नहीं सर आप बैठिए, मैं तो चल जाएगा मेरा तो। आप क्या काम करते हैं, इतने विनम्र हैं। कहा जी मैं बिजनेस करता हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, एक मिस्टर वर्मा से मिलना है, अपना बिजनेस लगा। कहा अच्छा वर्मा, कौन से वर्मा, एसके वर्मा की बात तो नहीं कर रहे हैं। कहा हाँ हाँ मैं उन्हीं की बात कर, आप जानते हैं। कहा जानता नहीं हूँ, मैं ही हूँ वो व्यक्ति जिससे आप मिलने जा रहे हैं, मैं भी भारतीय हूँ, अमेरिका में मैं 20 साल से रह रहा हूँ। अच्छा तो किस बिजनेस के सिलसिले में जा रहे थे, लैपटॉप निकाला, प्रोजेक्ट दिखाना शुरू हो गया प्लेन के अंदर ही। उन्होंने कहा जी काम तो बहुत अच्छा है आपका, आपके साथ बिजनेस डील पक्की हो गई, अब एरोप्लेन तो चल चुका है ऑलरेडी, अब ये जा रहा है अमेरिका तो उतरेगा ही उतरेगा, बीच में तो नहीं रुक सकते। बोले अमेरिका में आप कहाँ रहेंगे। कहा अभी तक प्लान नहीं किया था, सोचा था पहले प्रोजेक्ट दिखा लूँगा फिर किसी होटल में जाऊँ। नहीं नहीं आपको मेरे घर में रहना है। कहा आपने अमेरिका घूमा है। कहा नहीं मैं पहली बार जा रहा हूँ। कहा वो भी मैं आपको घुमाऊँगा, मैं 20 साल से रह रहा हूँ। प्रोजेक्ट हो गया था प्लेन में फाइनल, घूमना भी हो गया, साथ में रहना भी फ्री का हो गया, और दोस्ती भी हो गई, व्यापार भी हो गया। सिर्फ कितना किया, विनम्रता से, क्योंकि गीता पढ़ता था, परिस्थितियां आई लेकिन मनोस्थिति से उसने चेंज कर दी। हरि बोल। अच्छा लगा कि नहीं बात समझ कर। तो हमारे हाथ में चुनाव करने की शक्ति भगवान ने दी है। हम चाहें तो अपने मन को अच्छा रख सकते हैं। हम परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, मेरी नौकरी ऐसी लग गई, क्या करें, बड़ा तमोगुण का माहौल है, कैदी हैं, क्रिमिनल्स हैं, मैं अपने आप को कैसे मैनेज करूं। लेकिन ऐसा नहीं है,
हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, ये सोचते हुए कि हम सब तो जीवात्मा हैं। अब आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ, मेरे ज़्यादातर प्रश्न उत्तर के सेशंस रहते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर से ऐसे क्या तत्व चला जाता है कि उसको मृत माना जाता है? आत्मा। आप सभी ज्ञानी पुरुष हैं, बोल रहे हैं आत्मा, महिलाएं आत्मा। अब मैं एक और प्रश्न पूछता हूँ, दो सेंटेंस दूंगा आपको, इन सेंटेंस में से आपको चुन के बताना है कौन सा सेंटेंस ठीक है। मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर में रहती है, और दूसरा सेंटेंस है मैं एक शरीर हूँ जिसमें एक आत्मा रहती है, कौन सा सही है? हाँ, क्या मैं एक, ये बोल रहे हैं मैं एक आत्मा हूँ जो शरीर में रहती है, और कोई बोलना चाहते हैं पीछे? क्या प्रभु जी, क्या यही वाला, मैं एक आत्मा हूँ शरीर में रहती है, या शरीर में आत्मा रहती है? मैं आत्मा हूँ शरीर में रहती है। आप लोगों ने बोला मैं आत्मा हूँ, सब लोग जानते हैं मैं आत्मा हूँ, कितने लोग जानते हैं कि मैं आत्मा, जरा हाथ खड़ा करिए, मैं आत्मा हूँ शरीर में रहती है, एग्री करते हैं इधर वाले? मेरी भाषा समझ नहीं आ रही, मैं बदलूँ, चेंज करूँ भाषा, बोलिए आत्मा हूँ, कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा कर लीजिए, भगवान ने दिया है पूरा खड़ा करिए ना आराम से, सब मानते हैं मैं आत्मा हूँ, ठीक है, ये वाले प्रभु जी भी मानते हैं हमारे। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप में से कितने लोग हैं यहाँ जिनका कद 5 फुट से ऊंचा है, हाथ खड़ा करके बताइए। आप देख लीजिए यही भेद है, आत्मा का साइज कितना है, पर आपने अभी बोला कि मैं 5 फुट से ऊपर का हूं, हाथ खड़ा किया, आपने बोला मैं आत्मा भी हूँ, फिर बोला मैं 5 फुट का हूँ, यानी कि आप बोलते तो है मैं आत्मा हूँ लेकिन मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, इसीलिए तो 5 फुट पे हाथ खड़ा किया। आत्मा का साइज तो श्वेता शर उपनिषद में बताया है, बाल अग्र शत भागस्या शतदा कल्पितस्य च, बाल के अग्र भाग का 100 हिस्सा करो, उसका एक बाल उठाओ, उसको फिर 100 भाग में बांटो, यानी कि बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा, 10,000 part ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, बाल के 10,000वां हिस्सा आत्मा का साइज, यानी हमारा साइज कितना छोटा है, बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा हम हैं, फिर 5 फुट पे हाथ खड़ा कर दिया, फिर बोलते हैं हम आत्मा। तो आत्मा है ये बात बोलना और आत्मा है ये जानना दोनों में, जो बोलते हैं भारत में हम आत्मा है, क्रियाकर्म जानते हैं, मृत संस्कार जानते हैं, लेकिन आत्मा बोलने से काम नहीं चलेगा, मैं आत्मा हूं ये मानना पड़ेगा, और इसके मानने की क्रिया को ही भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी को जब ये अनुभव हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, तब उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। क्या कहते हैं? अपने को पहचानना ही आत्म साक्षात्कार है। अगर आत्म साक्षात्कार हो जाए तो कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं बोल सकता आप कौन है, बोले जी मोटा आदमी है, ये बहुत मोटा आदमी है तो दुख लगता है कि मोटा बोला, बोले ये बड़ी खराब औरत है दुख लगता है, क्यों? क्योंकि मैं अपने को क्या मान रहा हूँ, शरीर मान रहा हूँ। आत्मा खराब होती है, अगर मैं आत्मा मानने लगूँ तो बोलते रहो, बाहर के शरीर को बोल रहे हो मुझे तो आप जानते नहीं हो, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, सूक्ष्म हूँ, 10,000वां हिस्सा हूँ आत्मा, फिर कोई कष्ट ही नहीं होगा। लेकिन कष्ट कहाँ है, जब मैं अपने आप को शरीर के रूप में स्थापित करता हूँ संसार, तो संसार में जब तक मैं अपने को शरीर मानता रहूँगा मेरे जीवन में परिस्थितियाँ आएंगी, और मनोस्थिति ठीक ना होने पर मैं क्रोधित भी होऊंगा, कामी भी होऊंगा, परेशान भी होऊंगा। लेकिन अगर मैं अपने को आत्मा मानता होऊंगा तो आत्मा जानने का फायदा क्या है? बोले क्यों जाने जी, हमारी नौकरी चल रही है, बैंक बैलेंस अच्छा है, पत्नी भी बात मानती है, बच्चे भी बात मानते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ नोइंग दैट आई एम अ सोल, इसका जरूरत क्या है कि मैं आत्मा हूं ये जानूं? आत्मा जानने पर कि मैं हूं, मेरे शरीर से सारी आसक्ति समाप्त हो जाती है और मेरे दिमाग में एक शांति का अनुभव होता है। कोई मर गया मेरे घर में, मृत हो गया, तो कौन चला गया? आत्मा की शरीर, और हम थे कौन? आत्मा। तो फिर क्या डरना है कौन मर गया? पर यही तो हुआ कि शरीर में नहीं है, शरीर से बाहर, तो डोरे की कोई बात ही नहीं। गीता में कहा गया देहिनो आस्मिनोम यथा देहे कौमरम यवनम जरा तथा दे अंतर प्राप्त धीरत तत्र नाम हुई। धीरवान व्यक्ति मोहित नहीं होता है क्योंकि आत्मा शरीर परिवर्तित करती है। जब छोटे थे तब छोटे बच्चे के शरीर में थे, जब बड़े हुए तो बड़े आदमी के शरीर में हैं, जब बूढ़े होंगे तो बूढ़े शरीर में होंगे, ये शरीर परिवर्तन होता है। साइंस कहती है हर 7 साल में हमारा पूरा शरीर परिवर्तित हो जाता है। तो हम आपसे पूछें अपना छोटा बचपन वाला शरीर दिखाओ, 5 साल वाला दिखा सकते हैं? कहाँ गया वो? फोटो में देख सकते हैं। कोई बूढ़ा व्यक्ति उससे बोले अपना जवान शरीर दिखाओ, बोले बस फोटो में देख सकते हैं। और कोई मृत हो गया तो उसका शरीर दिखाओ, कहाँ देख सकते हैं? फोटो में देख सकते हैं। यानी कि हम पल पल मर रहे हैं ना, तो फिर एक बार जब मृत जिसको कहते हैं उसमें इतना रोना क्यों, इतना दुख क्यों?
लेकिन दुख हो जाता है। क्यों दुख हो जाता है? क्योंकि हमने पूरा जीवन शरीर को ही बोला, जानते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन माना कभी नहीं, समझे कभी नहीं, उसके साक्षात्कार के मार्ग पर कभी चालू नहीं हुए, इसलिए छोटी छोटी बात पर इरिटेट होते हैं, छोटी छोटी बातों पर अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इरिटेट, कंफ्यूज्ड, डिप्रेस्ड, डिस्पैरिटीज में डिसीज्ड, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? सिर्फ नॉट नोइंग दैट आई एम अ सोल, अपने को आत्मा न जानने के कारण पूरे विश्व जगत में तकलीफ है, परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम जान जाए हम आत्मा हैं, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को और कोई ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ आत्मा का ज्ञान दिया कि अर्जुन तुम जिन्हें मारना चाहते हो ना, तुम क्षत्रिय हो, ये तो पहले ही मर चुके हैं, तुम इन्हें किसको मारना चाहते हो, ये तो पहले ही मर चुके हैं, और अर्जुन तुम जब मार दोगे तो ये मर चुके हैं, आज नहीं मारोगे तो कल मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा खून क्षत्रिय है, और क्षत्रिय खून के साथ आज नहीं तो कल मारोगे, आज मारोगे तुम्हें यश मिलेगा, लेकिन कल मारोगे तो तुम्हें अपयश मिलेगा। क्यों? आज तुम कह रहे हो कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं तो पेड़ के नीचे चला जाऊंगा, अपने धर्म को छोड़ दूंगा, तुम्हारा धर्म है लड़ना, तुम लड़ो। तो कई बार लोग बोलते हैं मैं तो पुलिस में काम करता हूं, अर्जुन ने जैसे लड़ाई करी मैं भी युद्ध करूंगा, समाज का रक्षा करूंगा, लेकिन क्या अर्जुन गीता के ऊपर क्यों उनका चित्र आया, इसका कारण क्या है? अगर वो क्षत्रिय थे, अगर वो एक जेल के अंदर रहने वाले लोगों के प्रोटेक्शन करने वाले राज्य के राजा थे, तो फिर उनका फोटोग्राफ गीता के कवर पेज पर क्यों? व्हाट इज द रीजन? भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध तो तुम्हारा धर्म है, ऐसे जो आप हैं क्षत्रिय है, उनका धर्म है तिहाड़ जेल की सेवा करना, लेकिन कैसे करना? भगवान कहते हैं मम अनुस्मरणम युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, अपने काम तो करो लेकिन कैसे करो? मेरा स्मरण करो। भगवान का स्मरण छोड़ के जो कार्य करते हैं उनकी मनोस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो जेल के अंदर जो व्यक्ति आता है, जेल के अंदर आने के दो कारण हैं। एक कारण है कानूनी नियमों को ना मानना, और कानूनी नियमों को ना मानने के कारण उस व्यक्ति को जेल होती है, कारागार मिलता है, और कारागार के अंदर उसको दो चीज़ें कराई जाती हैं, दंड दिया जाता है और सुधारने के लिए उसको समय दिया जाता है, इसलिए कारागृह को सुधार ग्रह भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं सुधार ग्रह? सुधार ग्रह भी कहते हैं। तो इस कारागृह के अंदर आकर के दो कार्य है, एक तो दंड है और दूसरा सुधार है। ऐसे ही भगवान की प्रकृति में जो लोग भगवान के नियमों को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, कहते हैं जी हम तो ये सब मानते नहीं हैं। नहीं मानोगे तभी तो फिर जेल होती है उस व्यक्ति को, जो नहीं मानता है कि भाई मर्डर करने से क्या हो जाएगा, हम भाग जाएंगे, चोरी करने से क्या हो जाएगा, हम भाग जाएंगे, लेकिन पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ लेती है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति भगवान के नियमों को नहीं मानता तो उस व्यक्ति को जेल में आना पड़ता है, और जेल में आकर के उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, उसको दो कारण से आना पड़ता है इस संसार में, भौतिक संसार में, एक तो दंड के कारण, दूसरा सुधार के कारण। गीता में भगवान कहते हैं यम शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम करार न साम सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्र के नियम को छोड़कर कार्य करता है उसे ना तो सुख मिलता है, ना सिद्धि मिलती है, ना ही परम गति मिलती है। मरने के बाद बोलते हैं ना जी परम गति प्राप्त होगी, मिलती नहीं है जो शास्त्र के नियम नहीं मानता। तो क्या है शास्त्र का नियम? तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गीता का पाठ कर ले, ये संपूर्ण शास्त्रों का सार है। बहुत सारे लोग काम करते हैं, शिव जी का मंत्र करते हैं, देवी नवदुर्गे दुर्गे करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, और मुस्लिम लोग अपनी नमाज आदि पढ़ते हैं। लेकिन आपको हम बता दें इस्कॉन एक ऐसी सोसाइटी है, पूरे वर्ल्ड में हमारे 700 टेम्पल, 700 मंदिर हैं, हरी बोल, 700 मंदिर हैं हम। और उन मंदिरों में कौन कौन सी कंट्रीज में हैं? हमारे मंदिर हैं कराची में, इस्लामाबाद में, जहां पर आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। भगवद गीता जो हिंदी में लोगों ने पढ़ी, संस्कृत में पढ़ी, इस्कॉन के माध्यम से भगवद गीता 86 भाषाओं में, 86 भाषाओं में पूरे विश्व में भाषांतरित हो चुकी है। 86 भाषाओं में, स्पेनिश भाषा, पुर्तगाल भाषा, रशियन भाषा, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, यहाँ तक कि अभी अभी उर्दू भाषा में भी भगवद गीता उल्टे साइड से, पीछे से पढ़ी जाती है, उर्दू में भी भाषा आई है, और पाकिस्तान में इस्लामाबाद आदि में भी पढ़ी जा रही है। आत्मा का ज्ञान, गीता का ज्ञान, धर्म के ज्ञान से बड़ा ज्ञान है।
इसलिए कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं या नहीं पढ़ूंगा, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रस्त है, अर्जुन ग्रस्त थे, वो क्षत्रिय है, अर्जुन क्षत्रिय थे, वो मनुष्य है, अर्जुन मनुष्य लीला कर रहे थे, वो गीता का ज्ञान सुन रहे थे। भगवान से हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम पढ़ें और अपनी मनोस्थिति को बदल लें। अगर नहीं बदलेंगे तो फिर आपने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। भगवान ने आपको नियम दिया और आपने नियम को पालन नहीं किया। यम शास्त्र विधि उत्सृज्य छोड़ करके वर्तते काम करात, जो काम करते हैं नासाम सिद्धिम आपनोति, सिद्धि नहीं मिलेगी, ना सुखम, ना सुख मिलेगा, ना परमाम गति, ना परम गति प्राप्त होगी। तो क्या करना है? सरल है, गीता पढ़ना, बड़ी सस्ते से मिल जाती है। और हम तो आपको गिफ्ट में भी दे सकते हैं गीता, लेने वाला होना चाहिए। गीता ले, आजकल तो ऑनलाइन के माध्यम से PDF डाउनलोड हो जाता है, भगवद गीता यथारूप, उसको डाउनलोड करिए, पढ़िए। आप वो प्रश्न जिनको आप उत्तर ढूंढ रहे हैं पूरे जीवन में, आप कहेंगे ये क्या कर रहा था, मैं तो नवरात्रि कर रहा था, शिवरात्रि कर रहा था, करते रहिए, लेकिन गीता अवश्य पढ़िए। गीता आत्मा का ज्ञान देती है, जो शरीर छोड़ जाने के बाद बोलते हैं ना आत्मा चली गई, तो वो आत्मा का ज्ञान, वो ज्ञान गीता के माध्यम से आता है। और आत्मा का ज्ञान मरने के बाद लिया तो क्या किया, जीते जी आत्मा का ज्ञान लेना चाहिए। तो कई लोग बोलते हैं जो गीता नहीं पढ़ते क्या उनकी मुक्ति नहीं होती है, कई धर्म समाज में से लोग हैं जो गीता नहीं पढ़ते क्या उनकी मुक्ति नहीं होगी, वो अपने 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 तरीके से करते हैं, वो अपने ग्रंथ पढ़ते हैं। तो मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा घटना सुनाता हूँ, जो कि साक्षात्कार घटना है। आप लोगों ने गीता प्रेस का नाम सुना होगा, गीता प्रेस, एक गीता प्रेस हुआ करती थी भारत में, अभी भी है। और वहाँ पर उनके एक ओनर होते थे पोद्दार जी, तो उन्होंने अपने जीवन का एक दृष्टांत एक मैगजीन में लिखा था, अपना जीवन का खुद ही। वो एक बार बॉम्बे में थे और बड़े युवा थे, बालक थे, छोटी उम्र के थे, हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे थे, हरे कृष्णा बोलिए, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। ये बड़ी रोचक घटना है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपके एकदम जी के अंदर प्रवेश कर जाने वाली घटना। पोद्दार जी बैठ के जप कर रहे थे, देखते हैं एक प्रेत वहां पर खड़ा हुआ है चौपाटी बीच पर। और प्रेत देख करके बोले, अरे ये प्रेत खड़ा है। बोले कौन हो? कहा जी मैं प्रेत हूं। कहा लेकिन प्रेत तो बोल नहीं सकता, भूत प्रेत तो बोलते नहीं, तुम बोल कैसे रहे हो? कहा हमारा नियम है कि हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जब कोई हरि नाम लेने वाला व्यक्ति अगर उसका दर्शन हो जाए और उसके मुख से निकला नाम हमारे कान में चला जाए तो फिर हम उस व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं। तो आपको मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, आप शाम को आते हैं यहाँ बैठ के जप करते हैं, मेरा कान शुद्ध हो गया, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। कहा लेकिन तुम हो कौन और ऐसी स्थिति में क्यों? कहा मैं एक धर्म, ऐसे धर्म में हूँ जिस धर्म में गीता नहीं पढ़ी जाती है और भगवद गीता का ज्ञान, हरि नाम का ज्ञान नहीं दिया जाता। उस प्रेत ने ये बात बताई। अच्छा, तो फिर कहा बस हमारे यहाँ तो अंतिम संस्कार भी ऐसे होते हैं, पानी में बहा देते हैं या चील कौओं को डाल देते हैं, हमारे यहाँ ऐसे अंतिम संस्कार में अग्नि भी नहीं दी जाती। तो मेरे संस्कार पूर्ण नहीं हुए, मैंने कभी गीता का ज्ञान नहीं लिया, हरि नाम का ज्ञान नहीं लिया, लेकिन जब मैं प्रेत बन गया तब मैंने ये जाना कि जिन लोगों ने गीता पढ़ी है, हरि नाम लिया है, उनका गेट अलग है, वो अलग गेट से जा रहे हैं, और जो लोग गीता नहीं पढ़ते थे उन लोगों को बहुत दंडित किया जा रहा है, हंटर पढ़ रहे हैं, नर्क के अंदर अलग अलग प्रकार के कर्मों का दंड दिया जा रहा है। वो देख करके एकदम घबरा गया हूँ मैं। तो मुझे कहा गया कि भाई तुम्हें भी जाना पड़ेगा इसी रास्ते, और मैं, मेरा बस समय आने वाला है जाने का, लेकिन मैंने जब आपका हरि नाम सुना तो मेरा थोड़े दिन के लिए रोक दिया कि आप रुको यहीं पर, आपका अभी नंबर बाद में, आपके हरि नाम से मैं थोड़ा अशुद्ध हुआ हूँ, तो अगर आप मुझ पर थोड़ी कृपा करें तो मेरे लिए दो काम कर दीजिए, एक तो मेरे परिवार में जाकर के मेरे नाम से मेरा गीता का पाठ करवा दीजिए मेरी मृत्यु के बाद, और दूसरा मेरे लिए थोड़ा हरि नाम संकीर्तन करा दीजिए भगवान का, और मेरे लिए जो अंतिम संस्कार के पिंडदान आदि हैं वो करवा दीजिए, क्योंकि मेरे घर में किसी ने किया नहीं, कोई जानता नहीं था, ये तीन काम कर देने से मेरी मुक्ति हो जाएगी। कहा तुम मुक्त हो गए, इस बात का प्रमाण हमें कैसे पता चलेगा? बोले मैं जाने से पहले आपको बता के जाऊँ। तो वो फिर बैठ के जब कर रहे थे, 15-20 दिन बाद उन्होंने एक ब्राह्मण को बोल करके गीता का पाठ कराया, एक भक्त को बोल के हरि नाम संकीर्तन करवाया, और फिर साथ में उनका पिंड आदि क्रियाएँ भी कराई। क्या हो गया? जब वो जप कर रहे थे बैठे हुए, एक दिन वो प्रेत सामने फिर प्रकट हुआ और आकर के क्या कहता है, आपका अत्यधिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप जानते हैं आपके इस गीता पाठ से, आपके इस हरि नाम से, आपके इस गीता पाठ से, आपके इस हरि नाम से
क्या हो गया, मेरा पूरा का पूरा द्वार खुल गया है। जिस द्वार में सिर्फ भक्त जाते थे, वो द्वार मेरे मरणोपरांत भी गीता का श्रवण करने से, हरि नाम का श्रवण करने से वो द्वार खुल गया। हरि बोल। अब ये कोई घटना ऐसी नहीं कि लिखी हुई थी, ये साक्षात खुद उन्होंने, उनकी बताई गई चित्रित कथा अपने साक्षात जीवन में थी। और हमारे शास्त्रों में से अनेक दृष्टांत हैं जब भगवान के नाम ने लोगों को बड़ी बड़ी परिस्थितियों से बाहर निकाल दिया। जब परीक्षित महाराज, जो कि पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे भारत के, उस समय इस पूरी पृथ्वी को भारत कहते थे, बाद में ये मंगोलियंस आए, आर्यंस आए, और उसके बाद डिविजन्स हुए, कॉन्टिनेंट्स बने, 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, है ना, ये सारा, ये सब बाद में अलग हुआ। लेकिन पहले पूरी पृथ्वी को भारत कहते थे। और ऋषभदेव महाराज के एक पुत्र थे, भागवत में आता, जिनका नाम भरत महाराज था, जिनके नाम पर इस पूरी पृथ्वी को भारत कहते थे। और ये भारत देश कोई साधारण देश नहीं है, इसी देश ने, भारत देश ने लोगों को ज्ञान प्रदान किया है। आज जो सर्जरी होती है पूरे विश्व में, डॉक्टर सर्जरी करते हैं, उस सर्जरी का सबसे पहली सर्जरी भारत देश, इस देश में हुई। सुश्रुत आचार्य ने सर्जरी भारत से प्रारंभ करी। मैथमेटिशियन, लोग बोलते हैं हमारा बेटा अमेरिका जाएगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, अमेरिका जाके कुछ काम करेगा। वो जो बच्चे के पिताजी गाना गाते हैं, उनको ये जानना चाहिए आर्यभट्ट जो है आचार्य, वो भारत के हैं। आज भी कॉलेजेस के नाम रखे जाते हैं आर्यभट्टा कॉलेज। भास्कर आचार्य, भास्कर आचार्य बहुत बड़े मैथमेटिशियन, 2500 साल पहले वो इसी भारत में हुए। लेकिन आज लोग वैदिक शास्त्र नहीं पढ़ रहे, गीता नहीं पढ़ रहे, भागवत नहीं पढ़ रहे, और हम वैदिक शास्त्र अपने नहीं पढ़ रहे, लेकिन विश्व के लोग पढ़ रहे हैं। अमेरिका में लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं। आज हिंदुस्तान का आदमी जब अमेरिका जाता है, तो मेरे एक मित्र हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, भक्त भी हैं, वो मुझे बता रहे थे एक दिन क्लास में, बोले प्रभु जी अमेरिका में एक बड़ा पॉपुलर ड्रिंक है, उस ड्रिंक का नाम है टर्मरिक लैटे। क्या नाम है बोलिए? टर्मरिक लैटे। समझ में आया क्या चीज़ है ये? टर्मरिक क्या होता है, लैटे क्या होता है? लैटे दूध को जब क्रीम करके खूब झाग वाला दूध बनाया जाता है, उसको लैटे कहते हैं। कॉफ़ी होती है लैटे उसमें, तो जब दूध में झाग बना के हल्दी डाल दी जाए तो क्या बन जाता है? हल्दी वाला दूध भारत में, और अमेरिका में क्या है? टर्मरिक लैटे। और कितने रुपए का है? $200 का। यहाँ पर मम्मी का बच्चा जो है ना, वो कहता है माँ मैं नहीं पीऊँगा, फेंक देता है नाली में, मैं नहीं पीऊँगा। वहाँ उसको पिया जा रहा है आयुर्वेद के कारण। वेद, आयुर्वेद का मतलब है, वेद का मतलब है ज्ञान, और आयु का मतलब है उम्र। जो ज्ञान मुझे मेरी उम्र बढ़ाने के काम आता है, मेरी यौगिक क्रियाओं में काम आता है, उस ज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। आयु का वेद, आयु का ज्ञान अमेरिका फॉलो करता है, भारत के लोग फॉलो नहीं करते। ऐसा होता है कि दूसरे देश की चीज़ हमें अच्छी लगती है और हमारे देश की चीज़ दूसरी। ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन, दूसरी तरफ का कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, दूसरे का ढोल अच्छा लगता है। लेकिन भारत की सच्चाई ये कि हमारे आचार्य, सुश्रुत आचार्य, भास्कर आचार्य, आर्यभट्ट, ऐसे अनेक अनेक महान आचार्य हुए, वाल्मीकि, वेद व्यास, ऐसे अनेक आचार्य, अनेक ऋषि मुनि जिन्होंने हमें शास्त्र ज्ञान दिया, आज पूरा विश्व उसका फायदा उठा रहा है। पेरिस में परफ्यूम चलते हैं, है कि नहीं? पेरिस के परफ्यूम बड़े फेमस हैं, कहीं भी जाएं तो बोलते हैं पेरिस ब्यूटी, पेरिस ब्यूटी परफ्यूम्स। पेरिस के परफ्यूम क्यों पॉपुलर हैं? क्योंकि पेरिस के लोग नहाते नहीं हैं, सुंदर होते हैं नहाते नहीं हैं, सर्दी भी होती है, तो जब 8-8 दिन नहीं नहाएंगे तो शरीर से दुर्गंध आती है, तो फिर आदमी कहता है अरे भाई कम से कम परफ्यूम लगा लो। तो उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार परफ्यूम बनाए, और इतने अच्छे बनाए कि आज पूरे विश्व में पेरिस परफ्यूम फेमस है। हर जगह का कुछ ना कुछ फेमस होता है, लेकिन हमारे भारत का क्या फेमस है? द कल्चर ऑफ इंडिया, भारत का संस्कार, भारत का कल्चर, भारत का एग्रीकल्चर, ये बड़ा फेमस है। लेकिन आज हम अपने संस्कारों को छोड़कर के सोचें कि समाज में हमें संतुष्टि मिलेगी, आनंद मिलेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम संस्कारों को बचाएं, तो पहले माता पिता को खुद संस्कार पालन करने पड़ेंगे, तब फिर ये संस्कार बचेंगे, बच्चों में आएंगे। एक दिन एक व्यक्ति आया मंदिर में, मुझे कहता है प्रभु जी, सिगरेट पी रहा था, कहता है इसको 2 महीने के अंदर ना गीता सिखा दीजिए आप। मैंने कहा आप मंदिर में तो आइए। कह नहीं 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 मैं मंदिर में नहीं आऊँगा, मैं सिगरेट पी रहा हूँ भी, मैं मंदिर नहीं आऊँगा,
जब शुद्ध होऊंगा तब आऊंगा मंदिर के अंदर, मंदिर तो शुद्ध होता है। मैंने कहा संसार में ऐसी कोई जगह है जहां भगवान ना हो? सारा संसार में तो भगवान व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मजाना। अगर हरि सर्वत्र है तो तुम सिगरेट पी के ये क्यों सोचते हो कि मैं खाली मंदिर में नहीं पीऊंगा, बाहर पी सकता? बोला छोड़े छोड़े ये तो बात की बात है, लेकिन अभी आप बताइए इसको कितनी देर में गीता सिखा सकते हैं बच्चे को? मैंने कहा गीता सीखने से पहले आपको सिगरेट छोड़नी पड़ेगी और गीता सीखनी पड़ेगी। जब आप गीता लेकर बैठेंगे तो बच्चा गीता लेकर बैठेगा। जो माता पिता करते हैं बच्चे उसका अनुगमन करते, उसका पालन करते। तो हमें अपनी लाइफ में देखना है कि हम संस्कारों को बचाना चाहते हैं तो उन संस्कारों को खुद पालन करना पड़ेगा। अगर पालन नहीं करेंगे आप भी दुखी रहेंगे, बच्चे भी दुखी रहेंगे, परिवार भी दुखी रहेंगे, परिस्थितियाँ आएंगी, मनोस्थितियाँ ठीक ना होने पर दुख व्याप्त हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि हम संस्कारों को बचाएं। जर्मनी की आर्मी सबसे फेमस आर्मी है। क्यों जर्मनी की आर्मी फेमस आर्मी है? क्योंकि जर्मनी में ऋग्वेद को फॉलो किया जाता है, हमारे वेद शास्त्रों को फॉलो करते हैं ऋग्वेद को, इसलिए जर्मनी की आर्मी बड़ी पॉपुलर आर्मी है। तो जब भारत में महाभारत युद्ध हो रहा था उस समय द्रोणाचार्य ने भी एक चक्रव्यूह बनाया था और उस चक्रव्यूह को आज कौन पढ़ते हैं? जर्मनी के लोग पढ़ते हैं, चक्रव्यूह बनाकर युद्ध करते हैं। लेकिन हमारे लोग कहते नहीं नहीं ये गीता भागवत महाभारत ये तो बूढ़े बुजुर्गों का काम है, रिटायरमेंट का है, अभी तो खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ऐसी वैसी बातों पे ना जाओ जी। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, सब जानते मजे ले रहे। लेकिन सच्चाई है कि आप मजे लेते रहेंगे तो फिर बाद में जाके दुख उठाने पड़ते हैं। कहते हैं कुछ कार्य जीवन में ऐसे होते हैं जो प्रारंभ में अच्छे होते हैं बाद में कष्टकारी होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं शुरुआत में कष्टकारी होते हैं बाद में आनंद के होते हैं। जैसे स्कूल के लिए पढ़ाई करना बड़ा मेहनत का काम है, कष्टकारी है, लेकिन बाद में तिहाड़ जेल में नौकरी लग जाती है, सरकारी ऑफिसर बन जाता है, आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, तब अच्छा होता है, शुरू में कष्ट है बाद में आनंद। शराब पीना, मांस खाना, इंजॉय करना, पढ़ाई नहीं करना, इंजॉय, सिगरेट पीना, दोस्तों के साथ घूमना, ये शुरू में अच्छा है लेकिन बाद में आदमी लोफर बन जाता है, किसी कार्य का नहीं रहता, बेकार हो जाता है। लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं वो शुरू में भी आनंद लेते हैं और अंत में भी मरणोपरांत आनंद लेते हैं। तो भक्ति का मार्ग, भगवद गीता का मार्ग, हरि नाम का मार्ग ऐसा है जो शुरू में भी आनंद का है और अंत में भी। तो चाहते हैं कि नहीं, कितने लोग चाहते हैं आनंद का मार्ग मिले? तो सब चाहते हैं। अभी आप लोगों के हाथ खड़े और जब सबके होने लग गए तो मैं समझ गया आपको समझ में आई बात, और पहले दो चार लोग ही खड़ा कर रहे थे, तो ये समझ में आया कि आपके ज्ञान प्रवेश कर रहा है। और ज्ञान प्रवेश उसी के करता है जो विद्वान होता है, जो मूर्ख होता है उसके ज्ञान प्रवेश नहीं करता। जैसे एक डिब्बा है और उसका ढक्कन बंद है, उसमें कितनी भी गेंद फेंको जाएगी लेकिन ढक्कन खोल के डिब्बा रख दो उसमें एक बॉल फेंको तो जाएगी कि नहीं जाएगी? तो जो लोग अपना ढक्कन बंद रखते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जो खोल के बैठते हैं विद्वान उनको सब समझ में आता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, प्रारंभ ही होता है ब्रह्म जिज्ञासा से। वो व्यक्ति समझदार है, ओनली इंटेलिजेंट मैन हु नोज व्हाट इज सोल, जो इस रास्ते पे चलता है आत्म साक्षात्कार के, उसे ब्रह्म जिज्ञासा करता है, उससे ज्यादा समझदार कोई व्यक्ति हुआ नहीं संसार में। अभी हमारे एक ऑफिसर हैं, वो सिरसा में हैं, DCP अभी SP बन गए हैं, तो मुझे बता रहे थे उनके एरिया में ड्रग डीलिंग बहुत होती है, कॉलेज के बच्चे हरियाणा में विशेष करके ड्रग्स ले रहे हैं आज। और हम देखते दिल्ली में भी कई कॉलेजेस में, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का, उन्होंने बताया प्रोफेसर्स ने इंजीनियरिंग करने के लिए विदेशों से बच्चे आ रहे हैं, देश के दूर दूर से, केरला से आते हैं, बरेली से आते हैं, और जगह जगह से उनके माता पिता उनको दिल्ली में इंजीनियरिंग करने भेजते हैं। लेकिन एक प्रोफेसर ने बताया 60% बच्चे ड्रग्स के वो क्या कहते हैं पिताड़ित हो चुके हैं, ड्रग्स पीते हैं। बोले प्रभु जी कुछ करना पड़ेगा समाज के अंदर, एक रिवोल्यूशन लेके आना पड़ेगा जब इस आदत को छुड़वाया जाए। जो ये फ्री चीज़ें हो गई कि माता पिता ने डांटना छोड़ दिया, स्कूलों में भी डांटना बंद हो गया, कोई किसी को टोकता नहीं है, जब बेरोक टोक चीज़ें चालू हुई तो समाज कैसा हो गया? बेरोक टोक समाज में आज संस्कार विहीन समाज हो गया, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस अराइज हो गई। तो SP साहब मुझे बता रहे थे, बोले कि
ड्रग्स इतना आता है कि ड्रग डीलर को रोको तो प्रॉब्लम है, ड्रग्स लेने वालों को रोको तो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम? हाउ टू कंट्रोल द ड्रग डीलिंग, ड्रग एडिक्शन इन इंडिया? भारत में कैसे रोकें इसको, नशे को कैसे रोकें? इसको रोकने का एक तरीका है। हमारे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य थे, आज से कई साल पहले 1965 में जब वो अमेरिका जा रहे थे, अपनी बड़ी चढ़ी अवस्था में 69 इयर्स की एज थी, 69 साल के बूढ़ा व्यक्ति आज मंदिर जाने के लिए भी सोचता है मेरे घुटनों में दर्द है, कैसे मंदिर जाऊं? 70 साल की अवस्था में इस्कॉन के प्रभुपाद भारत से चल के अमेरिका गए पानी के जहाज पर। 2 बार हार्ट अटैक हुआ, जब पहुंचे तो उनको कोई जानता नहीं था, मालूम नहीं था लेफ्ट को जाऊं कि राइट को जाऊं। केवल भगवान के नाम कीर्तन से आज विश्व में 700 मंदिर खड़े हैं, आज विश्व में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग भगवान का नाम लेते हैं। कराची, इस्लामाबाद जैसे देशों में उर्दू में भगवद गीता पढ़ी जा रही है। रशिया जैसे देशों में 1 लाख से अधिक लोग भगवान का नाम जप करते हैं। विश्व में परिवर्तन लेके आया एक व्यक्ति खाली निकला, एक व्यक्ति के निकल जाने से पूरा विश्व परिवर्तित हो गया। अगर जितने हम बैठे हैं अपने अपने एरिया में निकल जाएंगे तो कौन सा ऐसा ड्रग एडिक्शन है, कौन सा ऐसा क्राइम एक्ट है जिसको हम सब मिलकर रोक नहीं सकते? प्रॉब्लम क्या है? हम निकलना ही नहीं चाहते, हम अपने घर को बचाने में लगे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारा घर बच जाएगा, लेकिन आपका घर भी बचेगा केवल भगवद गीता के ज्ञान से, केवल हरि नाम से। तो शिला प्रभुपाद से स्कॉटलैंड की पुलिस ने पूछा कि स्वामी जी आपके जो भक्त हैं ना, इनको हम देखते हैं बड़े लाइन में चलते हैं, जगन्नाथ यात्रा होती है, हमारे यहाँ कोई भी जुलूस निकलता है बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना पब्लिक को, लेकिन आपकी यात्रा निकलती बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल? तो प्रभुपाद ने कहा बिकॉज दे आर डिसाइपल्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट डिसाइपल, डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन, जो भक्त है वो डिसिप्लिन्ड है। उन्होंने कहा मेरे डिसाइपल डिसिप्लिन्ड है, इसी के कारण सब लोग व्यवस्थित सुव्यवस्थित रहते हैं। स्कॉटलैंड पुलिस ने इस बात को अखबार में निकाला, हमारे जीवन में हमने कभी ऐसी यात्रा नहीं देखी जहां पर लोग सुव्यवस्थित बिल्कुल लाइन में चल रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, कोई उदंड कार्य नहीं हो रहा है। और फिर स्कॉटलैंड पुलिस के कमिश्नर ने पूछा प्रभुपाद जी से कि हम क्राइम को रोकना चाहते हैं स्कॉटलैंड में, आप कोई तरीका बताइए स्वामी जी। तो स्वामी जी ने न्यूज रिपोर्ट में अमेरिका में इस बात को बोला कि एक ही मात्र तरीका है अगर आप क्राइम को रोकना चाहते हैं, दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन, जड़ों के अंदर संस्कार प्रदान करो, हरि नाम प्रदान करो। जब आत्मा को आत्मा का तत्व प्रदान होता है तो आदमी क्राइम एक्ट करने से पहले विचारशील होता है, करूं या ना करूं। इसीलिए जेल के अंदर रेगुलर प्रोग्राम्स होने चाहिए, कैदियों को प्रोग्राम करो, ऑफिसर्स के मेंटल टेंशन को दूर करने के लिए प्रोग्राम करो, अधिक से अधिक भगवान का नाम सुनो, गीता पढ़ो, खाली गीता पे हाथ रख के कसम मत खाओ कि इसमें जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, इसके अंदर जो लिखा है वो भी सत्य है, इस बात को हमें जानना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और जब हम अपनाएंगे अपने जीवन में तो हम देखेंगे हमारा जीवन आनंदपूर्ण हो गया, हमारा जीवन आनंद से भर गया। तो बेसिक कंसेप्ट है, पेड़ में अगर पानी डालना हो तो कहाँ डालते हैं? हाँ जी, इधर वाले नहीं बोल रहे हैं, जड़ में कि पत्तियों में? जड़ में डालेंगे। जड़ में डालने से 33 करोड़ पत्तियां हरी भरी होती हैं कि नहीं? तो हम बोले एजुकेशन, हम बोले कि भाई आदमी को है ना मेंटल टेंशन की तैयारी, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, स्पीच थेरेपी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? जड़ क्या है? जड़ है भगवान का नाम कीर्तन। और ये नाम कीर्तन किसी धर्म का नहीं है कि इस कौन वालों का है, ये आत्मा का है और सबके लिए है, बराबर है। और आप देखेंगे, आप मुझे बताइए, आप लोग हाथ खड़ा करके, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं जब कभी भी आप अपने घर के पास वाले मंदिर में जाते हैं तो आपको आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है? कितने लोगों को होता है? वाह वाह, सभी को होता है। तो क्यों होता है? इसका प्रश्न कभी सोचा, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है एक, हम सब आत्मा हैं और भगवान परमात्मा है, यानी कि हम आत्मा परमात्मा का अंश हो गए। अगर हम परमात्मा के अंश हैं, आत्मा यानी कि भगवान के लोक से आए हैं, सभी कहते हैं बच्चे तो भगवान की मूरत होते हैं, वो बच्चे बाद में बड़े हो जाते हैं, बड़े होकर के मूरत भगवान की नहीं रहते, एक दूसरे को गाली देते हैं, पति कहता है तू चुड़ैल है, पत्नी कहती है तुम राक्षस हो, दोनों लड़ रहे होते एक दूसरे से, लेकिन वही बच्चे होते तो कहते बच्चे तो भगवान की मूरत होते। तो ये जो आत्मा है परमात्मा का अंश है, भगवान के धाम से आई है। अब एक प्रश्न मैं पूछूंगा, फिर से उत्तर देना है आपको। एक मछली है जो पानी में रहती है, उसको पानी से निकाल के
आपको रख दिया जनकपुरी के अंदर, और उस जनकपुरी में उसको 1 करोड़ रुपए का फ्लैट दे दिया, 1 गाड़ी दे दी। मछली सुख से रह सकती है, हाँ कि ना? क्यों नहीं रह सकती, क्या कारण है? 1 करोड़ का फ्लैट है, 1 ऑडी गार्ड दे रखी है, जनकपुरी में रहता है, तिहाड़ जेल में नौकरी लगी हुई है, क्या प्रॉब्लम है? क्यों मछली सुखी नहीं रह सकती? हाँ जी, पानी नहीं है, पानी चाहिए मछली को। ऐसी जो आत्मा कहाँ से आई? भगवत धाम से, जहाँ भक्ति का पानी भरा हुआ है। ऐसे ही भक्ति का पानी जब नहीं मिलता आत्मा को, तो आत्मा को कोई भी चीज़ दे दो, करोड़ों रुपया दे दो, पैसा दे दो, पोजीशन दे दो, पावर दे दो, कुछ भी बना दो उसको, हाईएस्ट ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट, लेकिन जब तक उसके हृदय में पानी नहीं जाता, उसको संतुष्टि नहीं होती। तो आत्मा जब भगवान के मंदिर में प्रवेश करती है, तो उसको आप कहेंगे भगवान के मंदिर ही तो है, भगवत धाम थोड़ी है, भगवान का घर थोड़ी है। अब मछली को आप वापस पानी में छोड़ नहीं सकते, जनकपुरी में रह के वो खुश नहीं है, तो ऐसी मछली के लिए क्या करते हैं, एक एक्वेरियम बनाते हैं, फिश हाउस, उसमें मछली को छोड़ देते हैं। उस वातावरण में मछली को आनंद आने लगता है। क्यों आता है? उसको ऐसा लगता है, मुझे मेरी नदी, मेरा समुद्र, मेरा तालाब, मेरा सरोवर मुझे प्राप्त हो गया। होता है कि नहीं? मछली आनंद से रहती है। ऐसे ही आज जो ये मंदिर हैं, कृष्ण भावना भवित मंदिर जो बने, इस्कॉन के मंदिर बने हैं, ये क्या है? भगवान का घर भी नहीं है, लेकिन भौतिक संसार भी नहीं है। इसी संसार में, जनकपुरी में रहते हुए ही क्या है, एक्वेरियम है, जहाँ मौसम तो संसार का है, स्थान तो संसार का है, लेकिन अंदर का जल जो है वो भगवान के घर का भरा हुआ है। इसलिए मंदिर में घुसते ही आनंद का अनुभव होता है। हरि बोल। इसलिए आनंद, तो लोग बोलते हैं जी मंदिर में तो मूर्ति होती है, हम तो मूर्ति पत्थरों की पूजा नहीं करते। हम तो जी सीधी सीधी बात है, हम तो भगवान को हर जगह देखते हैं, हम तो मन से भगवान की पूजा कर लेते हैं, मंदिर मंदिर जाना तो बेकार है, भगवान तो सब जगह है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं हवा तो हर जगह है, कार में जब टायर में हवा भरवानी होती है तो आप कहाँ भरवाते हो? कार में टायर में हवा कम हो, फ्लैट टायर हो, तो कहाँ भरवाते हैं? पेट्रोल पंप पर जाना पड़ता है ना, कि हवा कहीं पर भी है, हर जगह हवा है, वहीं से भरवा ली, नहीं मानते। ऐसे ही संस्कार में भगवान तो हर वक्त हैं, हर सर्वत्र हैं, लेकिन भगवान की अनुभूति करने के लिए, भगवान को जहाँ कंप्रेस्ड रूप में रखा गया है, जहाँ भगवान अवतरण लेके विग्रह रूप में है, वहाँ जाना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए आपको मंदिर जाकर के आनंद करना। मैं आगरा में एक बार एक कार्यक्रम में गया था, हमारे एक इस्कॉन के अंदर एक मिनिस्ट्री है, उसका नाम है जेल मिनिस्ट्री। इस्कॉन की एक मिनिस्ट्री जिसका नाम है जेल मिनिस्ट्री। जेल मिनिस्ट्री पूरे विश्व के जितने जेल हैं वहाँ पर गीता के कार्यक्रम करवाते हैं, हरि नाम के कार्यक्रम करवाते हैं। तो वहाँ के एक प्रभु जी हैं, वो कार्यक्रम में लेके गए, उन्होंने बताया सेंट्रल जेल आगरा के अंदर वहाँ के ऑफिशियल्स ने मिलकर के एक राधा कृष्ण का मंदिर बनाया है। जितने कैदी हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, जो ओपन सेल या सेमी सेल के हैं, मिलकर के हरिनाम संकीर्तन करते हैं रोज़। वहाँ पर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, वहाँ पर वो रोज़ आरती होती है, पूजा होती है, और भगवान के वहाँ हो जाने से कह रहे हैं लोगों ने प्रण ले लिया है, 16 माला करने लग गए हैं, अंदर गीता पढ़ने लगे हैं, कि आप जीवन में एक बार कैद में आए हैं, आप दोबारा कभी कैद में नहीं आएंगे। ये इतना परिवर्तन कर सकता है। ये साधारण पूजा पाठ नहीं है, ये आत्म तत्व का ज्ञान है। पूजा पाठ तो ये होती है कि भाई पूजा पाठ कर लिया, थोड़ा सा यज्ञ कर लिया, सिंदूर लगा लिया, रोली टीका लगा लिया, बट दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट अ वेरी जिसे कहते हैं ना रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ स्पिरिचुअलिस्टिक एक्टिविटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोजी आइए। सो हमारे बीच में कुछ ऑफिशियल्स आए, प्रभु जी उनका नाम अनाउंस करना चाहते हैं, उनको वेलकम करना चाहते हैं। सो जो भी आगे कार्यक्रम रहेगा प्रभु जी बताएंगे भी। तो अभी हम कीर्तन करेंगे थोड़ा, और कीर्तन के साथ में हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको हम धन्यवाद देंगे अपनी ओर से, उन्होंने आज गीता के ज्ञान को यहाँ समझने के लिए हमें बुलाया। आप में से जितने लोगों को ज्ञान समझ में आ जा रहा है, एक बार ताली के माध्यम से बताइए कितने लोगों को समझ में आया है। तो चाहते हैं ये कार्यक्रम बार बार हो या एक ही बार हो? तो जो बार बार चाहते हैं वो एक बार ताली के माध्यम से बताएंगे, बार बार चाहते। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.